जमशेदपुर शहर वैसे तो अपनी गर्मी के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इस अप्रैल यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। पूरा कोलाहान तप रहा है, 45 डिग्री का टॉर्चर झेल रहा है, हीट वेव चल रही है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो देखिए, झारखंड भी गर्मी का सितम जा रही है। झारखंड में 30 अप्रैल तक के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। राज्य में गर्म हवा से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज जिन इलाकों को लेकर अलर्ट जारी की है, उनमें कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल प्रमंडल के जिले शामिल है। ज्यादातर जिलों में पारा 40 के पार है। सरायकेला गोड्डा में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। लोगों से बिना वजह सुबह 11 से शाम 4 बजे तक बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। स्कूलों में बच्चों के लिए 2 वाटर वेल का निर्देश जारी किया गया है। बच्चों को कम से कम 1 ग्लास पानी पिलाने को कहा गया है। भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। सुबह सूरज के निकलते ही धूप चुभने लगती है, सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। आपको बता दें, झारखंड में 30 अप्रैल तक हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों में 2 बार वाटर बेल होगा। सरायकेला गोड्डा में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। कई जिलों में तापमान 40 के पार है। और स्पर्धिक बातचीत के लिए जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभात जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रभात, देखिए गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और गर्मी का सितम झेल रहे हैं लोग। फिलहाल हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। क्या कुछ जो है अभी देखने को मिल रहा है गर्मी को लेकर, और लोगों में कितना सहजता देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अनुष्का, देखिए पूरे कोल्हान में अगर हम बात करें तो अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ती थी जो गर्मी अभी पड़ रही है। और आज के अगर हम बात करें तो 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है टेम्परेचर। अभी लगभग एक बज रहा है, तो समझा जा सकता है कि किस तरह से गर्मी पड़ रही है। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड जमशेदपुर का टूट गया है। अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी नहीं गिरती थी। निश्चित है गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं, लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। हाँ, लोग जरूर है जो अपने काम से निकल रहे हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग हो चाहे कंपनी में काम करने, चूंकि ये कंपनी का शहर है तो कंपनी में काम करने वाले लोग जो भी जा रहे आ रहे हैं तो अपने को पूरी तरीके से ढक ले। आप मेरे पीछे देखिए, ये सांची का क्षेत्र है, डीसी ऑफिस है इसके आसपास। देखिए अमूमन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है, लेकिन जो लोग भी चल रहे हैं वो पूरी तरीके से अपने चेहरे को हेलमेट के अंदर से अपने चेहरे को ढके, क्योंकि गर्म हवा नाक के अंदर से अगर जाता है शरीर में तो लू लगने की ज़्यादा चांसेस रहता है। यही हीट वेव है जो मौसम विभाग या जिला प्रशासन लोगों से आग्रह कर रहा है कि दिन के 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अगर कोई काम ना हो तो घरों से ना निकले, घरों पर रहें ताकि आप इस हीट वेव से बच सके। क्योंकि लगातार अगर हम बात करें कि 6-7 दिनों से लगातार मौसम ऐसे ही बना हुआ है, 44, 45, 46, अगर हम कल की बात करें तो 46 डिग्री टेम्परेचर सरायकेला का था, उससे पहले बहरागोड़ा क्षेत्र में 46 डिग्री टेम्परेचर था। हालांकि स्कूल के समय में परिवर्तन तो कर दी गई है, लेकिन जो रोजमर्रा की काम करने वाले हैं, जो कमाने खाने वाले हैं, उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रभात, देखिए गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, पारा तापमान बढ़ता जा रहा है और लोगों को काफी जो है समस्या हो रही है बाहर निकलने में, खासकर और बच्चों को काफी तकलीफ हो रही है। फिलहाल सुरक्षित रहने की जरूरत है और जिस प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है कि गर्मी से हीट वेव से जो है बचा जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।